हाँ मैं यही बोलना चाहूँगी, आई एम वेरी थ्रिल्ड एंड हैप्पी टू बी बैक. इतने टाइम बाद हम सब लोग एक साथ एक दूसरे को देख पा रहे हैं. सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड लेट्स सी व्हाट इट होल्ड्स. आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर. होपफुली सम ग्रेट थिंग्स कमिंग आउट. यस, जस्ट हैव कम हियर टू एंजॉय एंड रिसीव माय अवार्ड. सो या आई एम एक्साइटेड टू बी हियर. जी तो गोल्ड है, गोल्ड ही होना चाहिए ना, ब्लिंगी. यस यस. सो थ्री ऑफ माय वेब फिल्म्स आर कमिंग अप. दो शोज लाइंड अप है, एक मेरी मूवी लाइंड अप है एंड अ बिग सरप्राइज इज कमिंग. बट आई वुड वांट लेट थिंग्स अनफोल्ड ऑन देयर ओन. काम आता है तो दिख जाता है. Mostly crime and slice of life. Yes, based on true events. पता नहीं अभी क्या हो रहा है कि सिर्फ based on true events मेरे पास projects आ रहे हैं. Thank you. Thank you. Thanks. I always believe women who leave glitter are never forgotten. So I always leave a trail of glitter wherever I go. And I love, I mean, I'm a performer, so I love shiny stuff. मैं एक्साइटेड हूँ बिकॉज एक तो शमिता को मिलना बड़ा मुश्किल होता है. सो आई हैव टू फाइंड एन इवेंट टू मीट हर. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग सम फ्रेंडशिप टाइम टुडे. एंड अदर देन दैट इट लुक्स लाइक अ ग्रेट इवेंट. माय पीआर टीम इज डूइंग इट. सो आई ऑलवेज विश देम लक एंड मजे करेंगे. मैं जहाँ जाती हूँ मजे करती हूँ. हैव फन. तो एक बहुत ही फन कोलैबोरेशन. माय नेक्स्ट सिंगल इज कमिंग आउट इन द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल. सो फर्स्ट दैट इट्स बीन अ वाइल. बिग बॉस ने मेरा सारा कहते हैं ना वो अंदर की क्रिएटिविटी थोड़ी थाम सी दी थी. तो अभी आई एम रेडी टू रिलीज न्यू म्यूजिक. सो लॉट्स ऑफ न्यू सिंगल्स कमिंग अप. बट फर्स्ट वीक अप्रैल में आप नया गाना सुनेंगे. कौन सा बताइए. नहीं जाना मेरी माए मैं दे नाल नहीं जाना. हाँ नहीं जाना मेरी माए मैं दे नाल नहीं जाना. हुण मैनू जाना है. समिता जी यहाँ पे.
Well, this outfit is a Namrata Joshipura. It's a Namrata Joshipura, and I have been styled by my lovely Sachi. And yes. actually, I think मेरा पहला I think this is the first time I've come for this award award function, and I'm looking forward to a good night filled with lots of entertainment. Are you going to have to ask मैं कौन से कैटेगरी में नॉमिनेशन में मुझे बता दो पावर पैक पर्सनालिटी ऑफ द ईयर यस अ फन नाइट विद लॉट्स ऑफ एंटरटेनमेंट एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग माय फ्रेंड्स बस Honestly, मैंने देखा नहीं है थैंक यू थैंक यू मैं क्या कहूँ आई थिंक आई रियली लाइक इट एंड आई हैव नेवर वोन समथिंग लाइक दिस ऑन अ रेड कार्पेट आई वॉन्टेड टू गो समथिंग वेरी लाइक गो विथ समथिंग वेरी डिफरेंट सो मुझे लगा पैंट सूट अच्छा कॉम्बिनेशन रहेगा यू नो सो या मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज अब ऐसा लग रहा है कि यू नो ये दौर वापस शुरू हो गया है जहाँ हम सब लोग एक दूसरे को बहुत ऑफन मिलने वाले हैं सो इट्स एक्साइटिंग एंड इट्स नाइस दैट ऐसे मैं आई थिंक एक हफ्ते में वापस दूसरी बार मिल रही हूँ आप सबको सो एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल इनसाइड लेट्स सी किन को मिलती हूँ मैं I think best actress में है nomination I don't know but yeah we'll see upcoming project के बारे में क्या कहना चाहोगे इसकी शूटिंग की कुछ झलक भी देखने मिली है हाँ जी है काफ़ी कुछ है जिनके बारे में मतलब मैंने पिछली बार भी यही कहा था दैट आई विल नॉट बी एबल टू टॉक अबाउट सो जब भी एक सही वक्त आएगा कुछ जिसके बारे में मैं बात कर सकूँ तो मैं उस टाइम पे पक्का बातें करूँगी पता नहीं लाइक एज ब्लंट एज इट कैन बी नहीं पता है अगर पता रहता तो मैं बता देती आपको थैंक यू अरे ठीक है ना मेरे मन की Thank you. They gave me for my power pack performance of the year for Chandigarh Kare Aashiqui. अगर आपने मूवी नहीं देखी आप प्लीज देखना बहुत बहुत ही खूबसूरत अच्छी लगी आप पावर पैक मैं यही होप कर रही हूँ कि आने वाली जो भी फिल्में आपको उतनी अच्छी लगे और एंड उतना ही एंटरटेन करें
शमशेर आ रही है अभी जुलाई में, तो आप प्लीज़ वो देखना। आपको किस अंदाज में हम देखेंगे? पीरियड ड्रामा है, मैं ज़्यादा बोल नहीं सकती क्योंकि अभी जुलाई में आएगी, टाइम है। जॉनर उसमें सब कुछ है, उसमें सब कुछ है, उसमें हर तरह का जॉनर है, उसमें ड्रामा है, थ्रिलर है, एक्शन है, रोमांस है, सब कुछ है। आपको पसंद आएगी? ये आई डोंट थिंक कि हमें फिल्मों को कंपेयर करना चाहिए, वो बहुत ही खूबसूरत फिल्म है, मैंने अभी देखी नहीं है पर मैंने बहुत तारीफ सुनी है, एंड आई थिंक आलिया वाज ब्रिलियंट इन इट, एंड आई एम जस्ट होपिंग कि आई जस्ट होप कि आई कैन कैच दैट मूवी सून, क्योंकि मैंने अभी देखी नहीं। थैंक यू, शूटिंग हो गई, जुलाई में आ रही है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ टू बी हियर, एंड यस, जैसे आपने कहा इट्स गोल्ड अवार्ड्स, आई वांटेड टू गो फॉर समथिंग विच इज़ ऑन द लाइटर टोन, एंड यू कैन नेवर गो रॉन्ग विथ वाइट एंड गोल्ड, सो विच इज़ व्हाई आई एम वेयरिंग दिस, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर, क्वाइट एक्साइटेड टू बी मीटिंग अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द टेलीविजन, सो इट्स अ ग्रेट गेट टुगेदर मेरे लिए, सो या एक्साइटेड। फिलहाल तो मैं सबको मिलना चाहती हूँ, आई एम एक्साइटेड टू मीट पीपल, एंड आई थिंक अवार्ड फंक्शंस आर ऑलवेज डिलाइटफुल बिकॉज देर आर गेट टुगेदर्स, यू गेट टू मीट पीपल, सो इट्स गोइंग टू बी फन, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ ग्रेट इवनिंग। आपको पता चलेगा, यू विल नो अबाउट द राइट प्रोजेक्ट्स वेरी सून एट द राइट टाइम, बट देयर इज अ लॉट इन द स्टोर, दैट्स ऑल आई कैन से एट द मोमेंट। थैंक यू, बाय मेघना, कम बैक, अवार्ड दे देना। कर लो ना यार, ये कर रहे बोलो, मिंगना मिंगना मिंगना, दे शूटिंग दे हाय। लॉट ऑफ एक्साइटमेंट एक्सपेक्ट कर रही हूँ, एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी दैट फाइनली वी अवार्ड स्टार्ट हो गए, सब लोग आ रहे हैं, इट्स नॉट हैपनिंग वर्चुअली, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम सीइंग एवरीबडी फिजिकली हियर, एंड फाइनली द अवार्ड सेशंस हैव स्टार्टेड नाउ, सो आई एम वेरी हैप्पी बीइंग हियर। या आई थिंक आई वॉन्टेड टू लुक लाइक अ ट्रॉफी माई सेल्फ, सो या मैं काफ़ी कुछ, इनफैक्ट आई थिंक इस मंथ बैक टू बैक मेरे दो सॉन्ग्स रिलीज हो रहे हैं, एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट, एंड सीरीज येस, सो लॉट लॉट इज़ कमिंग अप, एंड समथिंग वेरी एक्साइटिंग, स्पेशली कुछ अलग कर रही हूँ मैं, और हर सीरीज में कुछ अलग कर रही हूँ, तो आई एम वेरी हैप्पी विद द OTT स्पेस, एंड येस लॉट ऑफ रोमांस इन द सॉन्ग्स हैपनिंग, फाइनली रोमांस इन माई लाइफ, सो एटलीस्ट सॉन्ग्स में, सो आई एम वेरी हैप्पी दैट इट इज़ हैपनिंग, सो या येस जी। तो फिलहाल लॉकअप चल रहा है, तो लॉकअप को लेकर क्या कर रहे हो, कितना
मैंने ज़्यादा फॉलो नहीं किया ये शो, बट येस बिकॉज कंगना है तो काफ़ी बेबाक शो लग रहा है मुझे, एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट दे हैव द राइट पर्सन फॉर लॉकअप, एंड आई एम श्योर कंगना है तो कोई भी लॉकअप होना पसंद करेगा. आई डोंट माइंड इफ देयर इज कंगना देयर. सी लॉकअप में तो मैं नहीं गई, एंड येस आई वॉज ऑफर्ड लॉकअप, बट बिग बॉस आई डोंट नो, लेट्स सी विद द काइंड ऑफ वर्क आई एम डूइंग. मुझे नहीं पता बिग बॉस और मेरी टाइमिंग कभी मैच नहीं होते, तो जब आई एम श्योर टाइमिंग मैच हो जाएंगे यू सी मी देयर. थैंक यू सो मच. थैंक यू. और एक मार्ग है आपकी बहन भी आई है. कौन? शमिता है, आ गई है. क्या पूछा? बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यार, आज की शाम बहुत अच्छी होने वाली है. आज पहली बार मैं डिजाइनर कपड़े पहन कर आया हूँ, अब तक अपने ही कपड़े और सूट्स पहन के आता था, आज डिज़ाइनर कपड़े पहन कर आया हूँ. डिज़ाइनर कपड़े पहन कर आया हूँ और वो भी स्पॉन्सर्ड है, तो अब डिज़ाइनर स्पॉन्सर करने लगे, अच्छा लग रहा है. अच्छा लग रहा हूँ ना? मैं आइकॉनिक अवार्ड में पहली बार आया हूँ, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर. एंटरटेनर ऑफ द ईयर में नॉमिनेटेड हूँ, अवार्ड मिले ना मिले नॉमिनेशन होना, अवार्ड में आना बहुत अच्छा लगता है, और अच्छे कपड़े पहनना, हैंडसम दिखकर अवार्ड में आना कड़क. यार उमर को मैं बहुत लाइक करता हूँ, और बाहर आकर मैंने सबसे पहले कहा था कैसी उमर एज अ विनर. उसके बाद बिग बॉस का गेम ऊपर नीचे होता रहता है, बाद में मुझे उसका वो जैसा था बहुत अच्छा है, और अंदर तो वो मुझे चाय पिलाता था, मैं अपनी रोटी उससे बांटता था. मैंने वो ट्वीट उमर के गाने के लिए नहीं किया था, इनफैक्ट अगर ट्वीट का टाइमिंग देखोगे तो गाने से पहले था, लेकिन फिर वही है ना, डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं, और बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है, अपने को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट उमर You rock. मैं बहुत जल्दी मिलूंगा, लेकिन उससे मिलने के लिए उसके सेट पे जाना पड़ता है यार. वो क्लिक निक्सन साकिनाका में शूट करती है, पर बहुत जल्दी मिलेंगे. और हाँ, मैंने मजाक में कहा था स्टेज पर सलमान सर के सामने कि ये नागिन है. वो क्या होता है ना, कभी कभी सरस्वती आपके ज़ुबान पर बैठी होती, काश उस दिन मैंने कहा होता कि मैं रणवीर सिंह हूँ. पर ऑल द बेस्ट, एंड तेजस्वी इज़ डूइंग अ फैबुलस जॉब. एक मराठी फिल्म कर रहा हूँ जो बहुत बड़ी है, उसके बाद एक बहुत बड़ा शो होस्ट कर रहा हूँ, और बस आपकी दुआ से अच्छा ही काम करूँगा. काम बड़ा या छोटा नहीं होता, अच्छा या बुरा होता, सिर्फ अच्छा काम करूँगा. बोल बाप. Thank you. Hi. Yes, guys. Hi.
Well, some of my friends are nominated for their films and I am here to cheer them up and celebrate their happiness. Nothing actually, it means nothing at all. It was very spontaneous. I just wanted to be, please, I want to be the actress. Well, I'm launching my app and you will see my songs coming and I'm doing a couple of South projects. So you will see them coming soon. Pleasure. Take care, guys. Bye. Hi. Thank you. Look ko lekar, I've gone all white today with a jumpsuit and a blazer. That's all. I can't hear you. I'm expecting it to be better than last year because things are getting normalized right now. So let's see how the night goes. Hopefully soon, and I'm taking my time right now. So jab kuch hoga then I'll definitely let you guys know. I haven't been following it a bit because I haven't really seen any episode yet. I am not into that zone. The Big Boss bhi nahi dekhti, Lock Up bhi nahi dekhti. Thank you. Oh, thank you. Hello, hello. Thank you. Thank you so much. Huh? Ek dusron ki tareef. कर दी हमने एक्चुअली अभी वहाँ खड़े थे तो हम यही बोल रहे थे लुकिंग गुड मैन तो शिवांग वाज टेलिंग मी फर्स्ट टाइम यू आर वेयरिंग समथिंग डिफरेंट कलर एंड यू आर एबल टू पुल इट ऑफ थैंक यू सो मच एंड शी इज एब्सोल्युटली स्टनिंग एज ऑलवेज जैसे मैंने शो किया था No expectations, no hopes. Yeah, life में कुछ expectations हैं। अभी अब कम कि हम आएंगे, enjoy करेंगे, we'll meet people and we'll go home and have a good time. That's all. Debut यार, हम लोग नए नवेले एकदम 10 महीने पुराने। Debut अभी तो आया है। हाँ, so it's a debut. अभी अभी आने से मुझे क्या था? कुछ अपने project के सही किसी बारे में बातें हो रही हैं जिसमें क्या talk साथ के लिए आप करने वाले हैं? उसे लेकर क्या करोगे? See, things are just in
टॉक्स एंड उसके साथ साथ कोई और प्रोजेक्ट्स भी है. सो वंस इट्स फाइनलाइज्ड डेफिनेटली आई विल लेट यू नो. सेम थिंग यार, अभी तो धीरे धीरे हमारी दुनिया खुली है, अभी हम कोविड से थोड़ा सा रिकवर हुए हैं, सो इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, बट या सेम थिंग, वी आर स्टिल टॉकिंग. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. Thank you so much. मैं आज की शाम से ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत खूबसूरत लोग आने वाले हैं, बहुत क्या बोलते हैं, उनके क्रिएटिव प्रोसेस के लिए बहुत अच्छी फिल्में हैं जो रिलीज़ हुई थी पिछले साल और इस साल, और उनको अवार्ड्स दिए जाएंगे. और मुझे बस यही आई वांट टू से थैंक यू कि मुझे ऐसा मौका मिला है कि इन सब के बीच मैं रह रहा हूँ और अच्छा काम कर रहा हूँ. और आज मैं सिद्धार्थ भाई से भी मिलूँगा, बहुत टाइम हो गया उन सिद्धार्थ से नहीं मिला मैं. सो आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू बी हियर. थैंक यू. ये लुक ये बहुत ही लास्ट मिनट है एक्चुअली. मैं एक्चुअली कश्मीर में था और मैं आने नहीं वाला था, पर अचानक से हो गया. तो ये लुक मेरी गौरी ने डिज़ाइन किया है, तो ये उसके लिए. एंड थैंक यू फॉर दैट, आई रियली अप्रिशिएट द स्टाइलिंग. एंड बहुत अच्छे प्रोजेक्ट चलने वाले हैं. तीन फिल्में हैं, दो वेब सीरीज़ हैं जो सब एक साथ इंशाल्लाह रिलीज़ होगी. और ये OTT और ये फिल्में, ये जो अभी सिनेमास खुल गए हैं वापस, उसकी वजह से अभी बहुत काम है. सो आई एम वेरी ग्लैड कि अगले साल बहुत सारी चीज़ें रिलीज़ होगी. एंड आई होप यू गाइज लाइक इट. थैंक यू, थैंक यू. Well, I've tried to balance my on-screen and off-screen persona. इस तरफ आप देखें तो it's a bad boy, that is my on-screen image. And इस तरफ आप देखो तो this is me totally off-screen. And my designer has very subtly tried to spread a message by, you know, printing this stop wars and love and God save the world. So माई डिज़ाइनर्स डन अ ग्रेट जॉब. मैंने ब्रीफ दिया था कि कुछ ऐसा इस बार मुझे पहनाओ कि हम सटली यू नो दुनिया को एक अच्छा मैसेज दे पाए. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट, ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हमेशा की तरह. दिस इज़ माई सेकेंड प्रेजेंस इन आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स एंड होपफुली आई विन इट फॉर द बेस्ट एक्टर इन अ नेगेटिव लीड रोल. आई जस्ट वॉन्ट टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स मिस्टर पीयूष जायसवाल फॉर द प्लेटफॉर्म. एंड अवार्ड्स आर वेरी वेरी एनकरेजिंग फॉर एनी एक्टर, फॉर एनी आर्टिस्ट, फॉर एनी परफॉर्मर, बिकॉज इट बूस्ट्स योर मोराल. एंड जो भी आपके व्यूअर्स होते हैं, फैंस होते हैं, उन्हें देख के बहुत खुशी मिलती है. खास करके मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं जब भी मैं एक अवार्ड जीतता हूँ. सो द एक्साइटमेंट लेवल इज़ हाई. थैंक यू सो मच.
Thank you guys. I'm really thankful to Iconic Gold Awards because this is the first time I'm receiving such award from Iconic. I'm doing two kind. How are you? Good to see you too. I'm good. बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन कंप्लेनिंग आई थिंक लास्ट कुछ सालों से कि नॉमिनेशंस में नाम हमेशा आता है, चार पांच नॉमिनेशंस आते हैं पर अवार्ड कभी नहीं मिलता है. सो आई एम रियली रियली हैप्पी दैट 2022 हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड ऑन दिस नोट. सो रियली हैप्पी. There are MX की दो सीरीज़ हैं जो चल रही हैं, एक Netflix की है और एक Amazon की. So that is what has been keeping me busy. Very very different work ये साल, जो जितना भी काम आएगा बहुत ही different role है, डी ग्लैम रोल है, बहुत different from anything that I have played before. कौन से लोग ये वाले लुक के बारे में, ये तो मेरे को आपसे compliment वैसे ही मिल चुका है. Yes. नहीं, just unzipping 2022 in a good stylish manner. So and बाकी जितने भी ट्रोलर्स के लिए भी है, zip it up. So both ways. Thank you. It's lovely seeing you. विश एवरीबडी मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन्स यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, एंड आई एम हम्बल्ड कि मुझे यहाँ पे इनवाइट किया गया. आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली. सो पहली बार है, सो लेट्स सी, आई एम एक्साइटेड. वेल, टच वुड, थैंक गॉड, टीआरपी बढ़ती जा रही है. अगर नहीं बढ़ती तो बहुत प्रॉब्लम में होते हम सब लोग. बट आई थिंक इट इज़ ऑल थैंक्स टू ऑल द ऑडियंसिस वॉचिंग अस एंड गिविंग अस लव एंड सपोर्ट. एंड आई होप कि वो आगे भी देखते जाए, एंड आई होप हमारी स्टोरी आगे और भी इंटरेस्टिंग होती जाए. uh,
हमने अब जाके एक साथ शूट करना शुरू किया है, बट शी इज़ अ फन गर्ल, वेरी फन लविंग, एंड हम सब हंसी मजाक मस्ती मजाक चलती रहती है सेट पे, इट्स नाइस फन। यहाँ से आपको ऐसा लगता है कि अभी नागिन 6 के मुझे कहीं और काम करने का मतलब ज़रा भी वो है? बट नो नो, ऑफ कोर्स देर आर फ्यू थिंग्स कमिंग अप, सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। वेरी मच हैप्पी, दिस इज द फर्स्ट अवार्ड दैट आई एम गेटिंग, सो दिस इज गोइंग टू बी स्पेशल फॉर श्योर। थैंक यू, थैंक यू सो मच। चलो वी मूव, या पुश फ्रॉम हियर। देखिए, फैंस से आजकल अप्रिसिएशन मिलना बहुत इजी हो गया है क्योंकि हमारे पास इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ईमेल आईडीज इतने हैं और फैंस भी इतने स्मार्ट हो गए कि पर्सनल ईमेल्स भी ड्रॉप कर देते हैं। आई एम वेरी हैप्पी। गुड इवनिंग, हाय। हाय। यार सुपर एक्साइटेड टू बी हियर एंड आई एम हैप्पी कि अवार्ड फंक्शंस फिर से होने शुरू हुए एंड दिस इज़ द टाइम वी मीट ऑल द फैमिलीज, ऑल द फ्रेंड्स फ्रॉम द इंडस्ट्री एंड सुपर एक्साइटेड, फिंगर्स क्रॉस, लेट्स सी व्हाट आई विल विन। लुक के बारे में बात करें तो लव लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, स्प्रेडिंग लव अराउंड। दिस इज फ्रॉम भरत रेशमा एंड आई लव इट, यू नो, सो दिस इज फ्रॉम भरत रेशमा एंड टोटली लविंग द पीस, सो आई थॉट ऑफ वेयरिंग इट, स्प्रेडिंग लव। I am in two categories, one is best actor on television and one is most stylish actor on television. Thank you. Thank you. Fingers crossed. Thank you, thank you, thank you. अरे कैसे हो, गुड टू सी यू, थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरा सेकंड अवार्ड है, बेस्ट डेब्यू अवार्ड, तो डेफिनेटली बहुत खुश हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ सब लोग को सबसे मिलने के लिए। आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड बहुत ही प्रेस्टीजियस अवार्ड है, लाइक आई सेड बिफोर, वेरी वेरी हैप्पी टू बी रिसीविंग दिस अवार्ड एंड वेरी हैप्पी टू, वेरी एक्साइटेड टू बी मीटिंग एवरीवन इनसाइड। जी 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 जी, मैं बहुत ही ग्रेटफुल हूँ, बहुत ही खुशनसीब हूँ, यू नो, इस अपॉर्चुनिटी के लिए एंड होपफुली मैनी मोर टू कम इन द फ्यूचर। अभी अनाउंसमेंट नहीं आया है, बहुत प्रोजेक्ट्स है लाइनअप में, तो जब अनाउंसमेंट आ जाएगा तो आप सभी को पता चल जाएगा। बहुत सारे स्क्रिप्ट्स है, यू नो, दिस आर्मी, दिस लव स्टोरी, एक्शन, जस्ट आई थिंक सेकंड फिल्म बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म होता है, सो आई एम जस्ट टेकिंग माय टाइम टू फिगर आउट व्हाट टू डू नेक्स्ट। मुझे सब कुछ करना है, यू नो, डेफिनेटली मेरा ड्रीम है कि मैं एक सोल्जर पोर्ट्रे करूँ, क्योंकि एक्टर बनने से पहले मुझे इंडियन आर्मी ज्वाइन करना था, तो दैट्स अ ड्रीम ऑफ माइंड, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू होपफुली डूइंग एन आर्मी फिल्म सून। जी 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 एक्चुअली प्रेशर होता है, लेकिन वो प्रेशर लेना नहीं चाहिए, और ऐसे नहीं है कि सिर्फ स्टार किड के ऊपर प्रेशर है, हर एक्टर के ऊपर प्रेशर है, जस्ट ऐसे ही है कि डोंट टेक दैट प्रेशर।
Perfect. Thank you so much. Thank you. Black is always very comfortable. I think that's the mood of the evening. Although jo award milne wala hai is very shiny, so I'm really excited about that, you know. वो तो मुझे जाके ही पता लगेगा, बट आई होप इट्स समथिंग वर्थवाइल. अगर किसी को मेरा काम पसंद आया हो तो आई थिंक इट बी गुड. शाम से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव यू नो डन अ गुड जॉब दिस ईयर, गुड फिल्म्स दैट हैव रिलीज्ड, गुड सीरीज, गुड टेलीविजन शोज, सो आई थिंक वी आर हियर टू सपोर्ट ईच अदर एंड दैट्स अबाउट इट. I think all the best to her. मैं जहाँ दिखने वाला हूँ मैं कल बात करूँगा उससे. हाँ मुझे अवार्ड मिला है ब्रेक थ्रू परफॉर्मर ऑफ द ईयर फॉर ओके कंप्यूटर. मैंने एक शो किया है जो हॉटस्टार पे है, उसका नाम है ओके कंप्यूटर. उसमें मैंने एक सन की साइबर सेल पुलिस ऑफिसर का रोल किया है. ये हमने पैंडेमिक के पहले शूट किया था और उसके बाद में ये रिलीज़ हुआ पैंडेमिक में, और काफ़ी ही एक नया जॉनरा था साईफाई और कॉमेडी को मिक्स करने का, जिसका काम मेरे डायरेक्टर्स ने किया है नील और पूजा ने मिलके. और बहुत ही नया, बहुत ही ओरिजिनल और बहुत ही यूनिक शो है. और उसमें जो किरदार मुझे दिया गया था वैसा मुझे अपॉर्चुनिटी पहले मिला नहीं था, और मुझे करने में भी बहुत ज़्यादा मज़ा आया. पहली बार कॉमेडी अप्रोच की थी तो उसका जो मज़ा आया, मैंने आई रियली एंजॉय डूइंग दिस शो एंड आई एम ग्लैड पीपल फाउंड इट वर्दी ऑफ ऑनरिंग मी विद एन अवार्ड विद दिस. जी 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 आई हैव बहुत अच्छा स्लेट है आगे. आलिया के साथ डार्लिंग्स है, सोनाक्षी के साथ एक शो है फॉलन, एक और प्रोजेक्ट है जिसके बारे में अभी बात नहीं कर सकता हूँ मैं. सो इस साल मेरे ख्याल से काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आने वाली है जिसकी वजह से लोगों को शायद मज़ा आए, तो यही उम्मीद के साथ मैं 2022 में एंटर किया हूँ. थैंक यू सो मच. कुछ नहीं, मैंने बहुत दिनों बाद ऐसे कोई इवेंट में आने का मौका मिला है. 2.5 साल से हम लोग सब घर पे बैठे हैं पजामा पहन के, तो और या शूट कर रहे हैं, ऐसे इवेंट हो नहीं रहे थे. तो मुझे जब पता चला कि ये इवेंट हो रहा है तो मैंने अपनी स्टाइलिस्ट को जिसको मैंने 2 साल से फ़ोन नहीं किया उसको फ़ोन करके बोला कि आ जाओ कुछ पहना दो अच्छा, तो उसने ये बनाया है कुछ. थैंक यू सो मच. डार्लिंग्स को तो बहुत संभाल के रखना पड़ता है. जब तक लोगों तक नहीं पहुंच जाए तब तक हम एकदम उसको अपने दिल के करीब रखेंगे, फिर वो जनता के साथ प्यार बांटेंगे जब टाइम आएगा. थैंक यू सो मच. थैंक यू गाइस. Thank you.
grateful and thank you. I got the most stylish rising star of the year for Raktanchal 2 performance. Yes. मुझे most stylish diva भी मिल चुका है लोकमत का, so I'm very happy that legacy is happening. Thank you. Without award, award के लिए आए. Thank you. Thanks. Chalo guys. Bye bye. Look at right. सामने एकदम चारों. बाबा यहाँ पर देखिए वर्धा जी. वर्धा जी कैमरा. Thank you. मैम साथ में. आइए साथ में. एक साथ में करते हैं जी. वर्धा जी आएंगे. वर्धा जी. दोनों को वर्धा जी एक साथ में आ रहे हैं. आएंगे सर. ये कैमरा में देखिए. ये लाइट वर्धा जी. वर्धा जी सेंटर. यहाँ पर देखिए ना. राइट साइड. बाबा यहाँ पर वीडियो के लिए सर. वीडियो के लिए मुझे अभी वापस अंदर जाना है, फिर मैं वापस. थैंक यू सो मच. आइकॉनिक स्टाइलिश प्रोड्यूसर ऑफ द ईयर. वेरी हम्बल. इसके लिए अभी तो बच्चन पांडे आ रही है, फिर ईद पे आने वाली होली पे बच्चन पांडे, ईद पे हीरोपंती 2, फिर न्यू ईयर्स पे हम देखेंगे कभी ईद कभी दिवाली. सो ऑल ग्रेट फिल्म्स. फिर वरुण की विद नितेश दैट इज़ गोइंग टू कम नेक्स्ट ईयर. या फिर सत्तू की कथा कार्तिक के साथ. सो गुड लाइन अप यू गाइस. कीप लविंग अस. प्रोड्यूसर साजिद नो नो बॉस की बॉस हो या दैट यू कैन से बॉस लेडी. बॉस की बॉस. थैंक यू सो मच बाबा. थैंक यू. मैडम जी अभी देखिए सर जी. हाय गुड इवनिंग. हाय हाय कैसे हो. हाय हाय हाउ आर यू. हाय बहुत अच्छा. अरे इट्स सो गुड टू बी बैक टू नॉर्मलसी. दिस यूज्ड टू बी अ रेगुलर थिंग यार. ये अवार्ड्स और यू नो गेट टुगेदर्स एंड ऑल ऑफ दिस दिस हैज बिकम सच अ प्रिविलेज नाउ. एब्सोल्युटली. मतलब बहुत दिनों के बाद अपने घरों से बाहर निकलना सज धज के गेटिंग रेडी फॉर एन अवार्ड शो कुछ नई सी फीलिंग है बहुत समय बाद. हम बहुत सारा एंजॉयमेंट एंटरटेनमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं आज के दिन क्योंकि बहुत वक्त हो गया है. हमने भी स्टेज परफॉर्मेंसेज नहीं होते हुए देखे हैं. स्टेज परफॉर्मेंस यहाँ पे भी नहीं है. यहाँ पे भी नहीं. नहीं बट इट्स मोर इम्पॉर्टेंटली इट्स टू मीट आवर पीयर्स यार. मीट आवर कॉलीग्स. वो बहुत ज़रूरी है कि इन टच तो नहीं है हम लोग बहुत लोगों से. हाँ. तो अच्छा होगा कि काफ़ी लोगों से आज रूबरू हो जाएंगे वापस से. जैसे आप लोगों से कितने समय बाद ये चेहरे देख रहे हैं. हम जो अवार्ड लेके आ रहे हैं ये भाई साहब यहाँ पे. लुक एट हिम ऑल डैपर्ड अप. हाउ आर यू. कांग्रेचुलेशन. Come, let's have yes, one. Man. So Dheeraj is the star of the evening, of course. He is. He always is. And I'm shining more because two more stars coming and joining me. You're leaving already? Yeah.
I've been here since last half an hour. Oh, okay. ठीक है, ठीक है, ठीक है. चल ठीक है, yes. You guys are looking gorgeous, huh? Thank you. Absolutely. Yeah. Look at them, man. Yes, I like your jacket. Oh, thank you. Very interesting. कितना कुछ है. Lot of love. हाँ, खूब सारा artwork हो रखा है. I can study. चल बोल, I'll see you guys. See you, man. See you guys. Good to see you guys, yeah. Meet. मिले जल्दी मिले. Meet. जल्दी मिलते हैं मिलते हैं. घूमते रहे तो मिल लो. अरे ये तो one working यार. See you. मिलते हैं मिलते जल्दी. हाँ जी. Iconic. ये lockdown की खेती है. मैंने नहीं हिस्टोरिक वाली नहीं है. हाँ ये मुझे बहुत लोगों ने बोला कि ये माइथो वाली लुक लेके क्यों घूम रहा है. लेकिन वैसा नहीं है यार, ये माइथो के अलावा भी लंबे बाल किए जा सकते हैं. और थोड़ा एक्शन फ्रेंडली मुझे बहुत इन्हें पसंद है, इनको बहुत ज़्यादा पसंद है. कुछ फैंस ने सजेस्ट किया था आप कटवा लीजिए, मैंने उनके सर पे बंदूक रख दी. मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आई रियली लाइक देम. इनफैक्ट जब ये एक्शन का कुछ कर रहे होते हैं ना, व्हेन ही वर्क्स आउट एंड जब एक्शन सीक्वेंसेस शूट कर रहे होते हैं, वो उड़ते हुए बाल बहुत स्लोमो सेक्सी लगते हैं. मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा. यार अभी फिलहाल तो अभी एक प्रोजेक्ट की बात चल रही है, उसके बाद वो एक बार मैं शूट कर लूँ, उसके बाद मे बी. कॉन्ट्रोवर्सी. You are not the face of channel, Divyanka. Say, even I want to hear this. यार कुछ बातें ऐसी होती है जो कि शुरू से मालूम होता है कि पानी किस तरफ बह रहा है. नदी है भाई, पानी जहाँ से शुरू हुआ है और कहाँ जाने वाला होता है कई बार मालूम होता है. लेकिन अच्छी बात यह, खुशी की बात यह है कि मुझे बहुत 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 सारा प्यार मिला है. डिसअपॉइंटमेंट देखिए होता है जब आप बहुत मेहनत करते हैं और आपको वो नहीं मिलता जो कि आपका अल्टीमेट गोल होता है और जो कि थोड़ा लग रहा होता है कि स्वाभाविक सा है. तकलीफ थोड़ी होती है लेकिन वो किसे नहीं होती. किसी को भी जिसके भी हाथ में वो अंतिम अवार्ड नहीं आएगा उसको लगेगा थोड़ा सा बुरा. मुझे भी लगा, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा जब मुझे उसके बाद जब मैंने फाइनल स्टंट किया था. ये बात किसी ने देखी नहीं क्योंकि कैमरा पे दिखाई नहीं गई. जब फाइनल स्टंट मेरा ख़त्म हुआ था और उसके बाद जो तालियां मेरे लिए पूरी टीम ने, जो कि साउथ अफ्रीकन टीम थी, उन अंग्रेज़ों ने मेरे लिए तालियां बजाई. एक एक ने आके मेरे गले मिले और बोला कि कुछ भी रिज़ल्ट हो आप हमारे विनर हो. तब तो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ नहीं था एंड उनमें से एक लेडी थी एंड शी केम एंड सेड यू नो व्हाट आई वांट माय डॉटर्स टू बी लाइक यू, दे शुड बी एज ब्रेव एज यू. बस यार हो गया, इतना प्यार, इससे ज़्यादा क्या चाहिए लाइफ में. या एंड सम अवार्ड्स, सम अचीवमेंट्स आर बिगर देन अवार्ड्स एंड दैट्स व्हाट शी डिड. शी वन एवरीवनस हार्ट. That's the most important thing, yeah. People remember her. एक स्टंट के जो हेड थे उन्होंने मेरे लिए एक शायरी भी गाई थी, तुम किसी की हो जाओ. क्या था वो, तुम किसी की हो जाओ मैं ये होने नहीं दूंगा. हाँ ऐसे समथिंग लाइक दैट. वो कौन सा धड़कन मूवी का है क्या ना, सुनील मुझे याद नहीं है सॉरी शायरी. लेकिन उन्होंने याद करके मेरे लिए हिंदी में शायरी बोली थी, वो भी नहीं दिखाया गया खैर. लेकिन हाँ बहुत प्यारे प्यारे पल थे. बोलिए ये मतलब एक सेकेंड, ये क्या कनेक्शन था, क्योंकि ब्यूटीफुल कपल हैं आप लोगों के इसलिए लॉकअप के. अरे पर इतनी आजादी से क्यों जाए, लॉकडाउन से निकल के लॉकअप में घुस जाए. अपकमिंग मे बी एक है, इट्स समथिंग दैट वी आर कंसीडरिंग एक्चुअली. म्यूजिक वीडियो हमें करना चाहिए साथ में, है ना.
एक तो है जो हम लोग सोच रहे हैं और एक है जो कि इम्तियाज अली जी के प्रोडक्शन के अंदर एक बना भी है म्यूजिक वीडियो एंड दैट्स लाइक अ शॉर्ट फिल्म जो कि देहरादून फिल्म फेस्टिवल में फिलहाल जाने वाला है वो अभी आने वाला है बहुत ही जल्दी रिलीज होगा अगले हफ्ते में उसमें विवेक ने भी स्पेशल अपीयरेंस किया है इट्स एन एनसेंबल ऑफ स्मॉल स्टोरीज बट ब्यूटीफुली शॉट यू लाइक इट हाँ जी हाँ जी काफी कुछ आने वाला है थैंक यू गाइस थैंक यू ओके जी थैंक यू सो मच वाज लवली टॉकिंग टू यू ऐसे ही अलग अलग ट्राई करना चाहिए ना आप लोग भी बोर हो जाते होंगे सेम सेम देख के मुझे नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है बिल्कुल भी नहीं Obviously, बहुत खुशी महसूस होती है जब भी आपको इज्जत मिलती है अवार्ड मिलता है फॉर वॉट एवर यू डू क्योंकि हम सब जो अपनी लाइफ में करते हैं वी वर्क वेरी हार्ड और जब उसके लिए अप्रिसिएशन मिलता है तो और मोटिवेट होते हैं हम टू डू इवन मोर एंड बेटर It was very nice. He's very sweet and you know a very caring co-actor. और बहुत मज़ा आया मतलब पता ही नहीं चला कैसे जल्दी से शूट खत्म हो गया नहीं मतलब वो शायद रूमर ही थी सॉरी कभी कभी अच्छा लगता है हर बार सच बोलूँ तो बहुत मुश्किल होता है प्रेजेंटेबल दिखना ड्रेस्ड अप रहना मेकअप में रहना और मेरे लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है बिकॉज मुझे बहुत एफर्ट लगता है टू डू ऑल दिस बट कभी कभी अच्छा लगता है क्योंकि द फैंस विच लव अस दे रियली लाइक इट वो चाहते हैं कि वो हमें अलग अलग तरीके से देखें वो हमें आइडल मानते दे लुक अप टू सो दैट्स वाई फॉर देम आई डू ड्रेस अप So there's a lot coming. There's one Punjabi film coming. Then OTT platforms के लिए few projects हैं जो आ रहे हैं. Songs हैं कुछ जो आने वाले हैं. So there's a lot. Okay. Thank you guys. Video.
No, that is why I guess I'm quite late because I was shooting, I was busy, so I just came here after all this shoot and everything. And about my look, I tried looking simple yet gorgeous somehow. Yeah, so yeah, it's a self-styling thing. Thank you so much. The promo itself is very authentic and it's about a girl who sells mithai and a very unique kind of a mithai, you know, aloo jalebi. You never hear about it, you know, often. So this the story is about this girl and it's an amazing character. There are different shades to it and it's not about this only girl but an entire family. So we all are, you know, trying to work and put our efforts together. Yeah. Of course, I mean, I'm always happy and glad that they are, you know, supporting me and they are there for me. And of course, I'm really very happy unka reaction dekke because they are, it seems that they are more excited than I am sometimes, so which is good. Yeah. Huh? I love you guys. Jaise aapne Anokhi ko pyar diya, just watch Mithai. I hope you just love her as well. Thank you so much. Thank you. Just take pictures. हेलो, क्या हाल चाल? बढ़िया. हाय, हाउ आर यू? हैंडसम के बारे में नहीं, डेफिनेटली यार, आई थिंक आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स है और कोई भी अवार्ड्स हो, आई थिंक एक्टर के लिए अगर उसके काम को सराहा जाए, मैं हमेशा कहता हूँ अप्रिशिएट किया जाए, तो डेफिनेटली वो अच्छा लगता है. और आइकॉनिक अवार्ड्स हैं, पीयूष ने, पूरी टीम ने मिलकर अवार्ड्स ऑर्गेनाइज़ किया है, पूरी मेरी मीडिया फैमिली होती है, तो जाहिर सी बात है यार, चार चांद लग जाते हैं किसी भी शो में. मैं तो बिल्कुल भी अपसेट नहीं हूँ, आई थिंक मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हर एक चीज़ जिसकी भी शुरुआत होती है उसका अंत होना जो है वो लाजमी है. और बस हम वही वेट कर रहे हैं कि अभी कुछ नया हो, कुछ इंटरेस्टिंग स्टार्ट करें, कुछ एक्साइटिंग स्टार्ट करें. हाँ, मतलब हमेशा लोग चाहते हैं कि मैं कोई भी, मतलब मैं जो भी प्रोजेक्ट करूँ वो डिफरेंट हो, और अब तक के जितने मैंने प्रोजेक्ट्स किए हैं बहुत डिफरेंट रहे हैं. उम्मीद है जो अगला हो वो भी आइकॉनिक हो, मतलब अपने ही वे में थोड़ा डिफरेंट हो, पिछले प्रोजेक्ट से डिफरेंट हो, पिछले कैरेक्टर से डिफरेंट हो. सो फिंगर्स क्रॉस्ड, जो भी अगला आएगा होपफुली बहुत अलग होगा और आप लोगों के लिए भी एक्साइटिंग होगा. थैंक यू. आपको ही देखिए. रेडी? ओके मैम, सबसे पहले कांग्रेचुलेशन, आपने गाने को बहुत प्यार मिला है, थैंक यू बोलना चाहूँगी सबको. आई थिंक सब लोग काफ़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे हमारी इस कोलैबोरेशन का,
जो हुआ और इसका रिस्पॉन्स बहुत ही अमेजिंग था. आई थिंक एवरीबडी लव्ड आवर सॉन्ग एंड वी लव इट टू. I'm excited because I'm nominated and yeah, hoping to win an award. Yeah. Nominations की बात हुई है, तो कौन सी कैटेगरी है, कुछ है? I think the most popular actress. I think so. Popular actress तो हो ही, इसलिए fans इतना प्यार करते हैं. Thank you. और अब इस नए look को लेकर क्या कहोगे? क्योंकि पहले नहीं देखा था कभी. Yeah, so I don't know, I wanted to try something different. मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं हर बार कुछ अलग करूँ. मैं ये पहले भी बोल चुकी हूँ, कई बार अच्छा लगता है आप लोगों को, कई बार नहीं लगता है, बट मुझे बहुत अच्छा लगा मेरा लुक. आई एम लविंग इट. आई एम आई थिंक मैंने ऐसा कुछ ट्राई कभी नहीं किया लाइफ में, सो मुझे कुछ अलग ट्राई करना था, मैंने किया एंड आई एम वेरी हैप्पी विद माई लक. ये कहाँ सुना आपने कि मैं कोई स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ? सूत्रों के अनुसार पहले मुझे उन सूत्रों का नंबर दो. मैं उनसे बात करूँगी. नहीं, फिलहाल मेरा शो चल रहा है OTT प्लेटफॉर्म पे, वूट पे. हमारा बालिका वधू आनंदी का नया सफ़र आ रहा है. उसके बाद है कुछ चीज़ें हैं पाइपलाइन में. कि आपको कौन बताता है ये सब? पहले मुझे आप बताओ, कौन है आपके वो सूत्र? है कुछ चीज़ें पाइपलाइन में, जैसे यू नो सब वर्कआउट होगा, आप सबको हो रहा है, अच्छा आप सबको पता चल जाएगा. थैंक यू, थैंक यू. यहाँ पे आपका माइक था, ठीक है, सॉरी. मैं कहना चाहूँगा कि मैं बहुत खुश हूँ और ये शाम मेरी भी आइकॉनिक हो गई है बहुत, एंड ये पूरा साल आइकॉनिक बनाने के लिए थैंक्स बोलना चाहूँगा आइकॉनिक अवार्ड्स को. प्लस ये एक साल पहले जब ये प्लान की गई थी मूवी, राम सर ने, उनकी टीम ने, अमिता जी प्लस रॉनी सर एंड पूरी RSVP की टीम, बहुत ही मुश्किल वक्त पे सब जा रहे थे और पैंडेमिक चल रहा था उस टाइम ये प्लानिंग की गई थी फिल्म. ये वन ऑफ द एक ट्रिविया अगर आपको दूँ तो ये आई थिंक वन ऑफ द फर्स्ट फिल्म्स है जो पैंडेमिक में बनी थी और उसी टाइम शूट करके और तुरंत अभी रिलीज़ भी हुई थी. सो बहुत डिफ़िकल्ट था उस टाइम आइसोलेशन में, बबल में काम करना. पहली बार हम एज एक्टर्स ऐसे काम कर रहे थे कि लोगों से मिले नहीं और बिना उनसे प्रेप किए, साथ में वर्कशॉप्स किए, बिना जूम कॉल्स में सारी प्रेप के साथ, फिर बाद में सीधा सेट पे मिलना. तो वो फर्स्ट एक्सपीरियंस था. बट आई थिंक द होल टीम, उसके लिए मैं मतलब उनको बहुत क्रेडिट देना चाहूँगा कि जिस तरीके से प्लानिंग की गई. एंड या आई एम ग्लैड कि वी आर बीइंग रिवॉर्डेड फॉर द फिल्म एंड होपफुली और भी ज़्यादा ऐसे अवार्ड्स मिलते रहें. हाँ, पूरी तरह से. क्या लग नहीं रहा हूँ क्या? थैंक यू. नहीं, पूरी तरह से. काफ़ी टाइम बाद भी मैं एक रेड कार्पेट इवेंट में भी आया हूँ, तो पूरी तैयारी से ही आए हम सब लोग, पूरी टीम ने बड़ा बड़े खुश थे कि आज इतने टाइम बाद ऐसा एक इवेंट भी हो रहा था. सो या तो आई एम रियली ग्लैड दैट वी कुड मेक इट. अभी आदत हो गई है.
भूल भुलैया अभी सिर्फ थिएटर्स में होगा, और उसके अलावा आई थिंक जनरली लाइफ में तो स्पॉन्टेनियस ही रहते ब्रो. मेरे लिए बहुत एक्साइटिंग ईयर रहने वाला है क्योंकि अभी अभी धमाका रिलीज़ हुई. अब नेक्स्ट रिलीज़ भूल भुलैया आने वाली है, उसके बाद शहजादा भी कंप्लीट करने वाला हूँ, एंड देन अगेन मैं स्टार्ट करूँगा सत्यनारायण की कथा, फिर उसके बाद कैप्टन इंडिया. सो आई एम रियली ग्लैड जिस तरीके से ये पूरा साल जाने वाला है और फिल्में बैक टू बैक रिलीज हैं, तो सबके लिए एक्साइटेड हूँ और सब अलग अलग किरदार निभा रहा हूँ. तो आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज हर स्क्रिप्ट में कुछ नया है, एंड आई होप ऑडियंस विल गेट एंटरटेन. थैंक यू. रीड ही नहीं करता. नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कोई परेशान नहीं कर. हाँ, अवार्ड लेके जा रहा हूँ. जी, मतलब ये अलग फिल्म है. जब आप पहली बार इसके बारे में जब कुछ भी आएगा तो मैं ज़्यादा बात कर पाऊँगा. अभी बहुत जल्दी है उसके बारे में कुछ भी बात करना, बट बहुत एक्साइटमेंट है उस फिल्म को लेकर. और ये मुझे वो कटोरी ने बोला था पहनने के लिए, तो उसको अच्छा लगा था. जी आई थिंक अच्छा लगता है जब आप कहीं पे भी, चाहे वो अवार्ड शोज हों, चाहे कहीं पे आप फेस्टिवल्स में कहीं जा रहे हो किसी के घर, तो प्रेजेंटेबल रहना और सबको मिलना बहुत मज़ेदार होता है. तो आई एम रियली या तो बस नॉर्मल बात है, उसमें कुछ ऐसा अलग या नया नहीं किया. जी तो इधर आ जाओ मेरे पास, अरुण को इधर बुला ले तो. नहीं, वो तो मुझे नहीं पता, बट आई थिंक आई एम रियली ग्लैड कि ये किसकी बनी है मुझे नहीं पता, बट ये मेरे पूछना पड़ेगा आइकॉनिक वालों से कि ये किससे, गोल्ड से बनी है या सिल्वर से. बट या सवाल था क्या, हम कहाँ पे जा रहे इस सवाल से. मुझे कपड़े पसंद है, मुझे कपड़े, हाँ मुझे गाड़ियों का शौक है. मम्मी को भी गिफ्ट दिया, बहुत पसंद है. चलो, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. आप क्या सुनना चाहेंगे? थैंक यू सो मच टू आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स मुझे इस कैटेगरी का अवार्ड देने के लिए, बिकॉज आई थिंक बहुत मेहनत लगती है टू लुक फैशनेबल एंड बी ड्रेस्ड अप ऑल द टाइम. तो दे एक्चुअली अप्रिशिएटेड माई हार्ड वर्क, सो आई एम थैंकफुल टू देम. गोल्ड हैं आप, डायमंड हो किशमिश जी, आप डायमंड. Last time I was
बहुत खुशी महसूस हो रही है और ये वेल डिजर्व्ड अवार्ड है। कोविड के टाइम में मेरी सारी यूनिट सेट के अंदर रही है ताकि लोगों को घर में रख सके एंटरटेन करके, तो जितने मेडल उनकी छाती पे हो वो कम है। वो ये सारे लोग, हमारी पूरी टीम, हमारे राइटर्स मनोज संतोषी, रघुवीर शेखावत, हमारे डायरेक्टर शशांक बाली, ये सब एकदम हीरोज़ है। मेरे हस्बैंड संजय कोहली जो ये शो के प्रोड्यूसर है, ये हमारे सब सारे हीरोज़ हैं और ये अवार्ड डिजर्विंग है। कितना मजा आया अंदर आज के शाम, कितनी एंजॉय की आप बताइए। बहुत एंजॉय की ये शाम, और क्योंकि भाभी जी का सफ़र जो है वो हमेशा से बहुत खूबसूरत रहा है, तो ऐसी जितनी भी शामें हुई हों यादगार शामें रही हैं। या बहुत एंजॉय किया, वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड अवार्ड्स एज ऑलवेज, ह्यूज रॉक्स, एंड आई थिंक आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स आर लाइक यू नो मैचलेस। बहुत बहुत मजा आया, पूरी टीम को मजा आया, यू कैन जस्ट सी आवर फेसेस एंड वी आर लाइक हैप्पी एक्साइटेड एंड थैंक। बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड अवार्ड्स थे, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड अवार्ड्स थे। और यहाँ पर हद ही हो गई है, मैं मीडिया से गुजारिश कर रहा हूँ, इतने अवार्ड मिल रहे हैं, 7 साल हो गए लेकिन मेरे ये रोहित राजगोड़ यानी कि तिवारी जी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं। आप मीडिया वालों से गुजारिश है, तनख्वाह दिला दो इस गरीब इंसान की। शेठ जी, रोहित भाई, तिवारी जी से जवाब बोलो भाई, बोलो ना यार जोर से। आप लोग ही जेब में से 10-10 रुपए निकाल के दे दो, 10 रुपए में तो भुइया भी नहाने की है। आने से पहले ना हमने इन्हें बड़ी अलमीरा दिलवाई है क्योंकि अवार्ड बहुत ज्यादा हो गए। शेठ जी मत दो तनख्वाह, प्रोड्यूसर मेरे साथ हैं, मिलती रहेगी। नहीं, अगर मैंने टिल्लू की तनख्वाह दे दी तो फिर ये कहानी जो है बीच में थम जाएगी, इसलिए बेहतर है कि इसे भूखा ही रखा जाए। शो ने 7 साल कंप्लीट कर लिए 2 तारीख को, और एन टीवी ने भी 7 साल कंप्लीट कर लिए। थैंक्स टू एन टीवी हम ये शो को ये हाइट पे ले जा सके। तो और ये पूरी यूनिट तो एक फैमिली की तरह 7 साल से ना, व्हेन यू वर्क टुगेदर फॉर 7 ईयर्स वी एंजॉय मीटिंग ईच अदर। नहीं भाभी जी, नहीं भाभी जी, और भाभी और मेरी एक मेरा दोस्त है टिल्लू, एक टीका भी मेरा दोस्त है, तो हम उसके लिए ना एक बार क्रीम लेने गए थे गोरे होने के लिए, तो टीका के गालन पे रगड़ रगड़ के लगाई तो भैया क्रीम काली होगी लेकिन टीका गोरो नहीं हुआ, तो कोई अगर क्रीम मिल जाए तो प्लीज बता देना। So, गोरी में मारी है, क्रीम से याद आया गोरापन, गोरी में मारी है। डू वॉच 23rd को उनकी एंट्री हो रही है ऑन एयर, और हमारे शो में 20 सेकंड। और हमारे शो में एक नए कैरेक्टर सुमित जी भी है जो बहुत उम्दार कैरेक्टर है, जिन्होंने हमारे शो में एंट्री ली है थोड़े दिनों पहले। सो वी कीप हमारे शो में और अच्छे 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 चीजें होते जा रही है। कुछ बोलो ना, सही पकड़े हैं हम आपको, सही पकड़े हैं। और आप लोग मेरा कैरेक्टर देख रहे हैं रूसा का, कमिश्नर की साली, कैसा लग रहा है? फीडबैक मतलब छेड़ना अच्छा लगता है पहली लड़की है जो कह रही छेड़ना अच्छा लगता है, पीटना अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है। अरे वाह, थैंक यू, एक बार छेड़ के दिखाऊं तुझे, छेड़ लो। ओके, थैंक यू। और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू, आप लोग बहुत मेहनत करते हैं। मैं उस तरफ रह चुकी हूँ तो मैं अंडरस्टैंड करती हूँ कि आप लोग कितनी मेहनत करते हैं और हमारी कितनी हौसला अफजाई करते हैं। थैंक यू सो मच, दिल से तालियां आपके लिए। थैंक यू, शुक्रिया, थैंक यू। देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि हम उस ज़माने से काम कर रहे हैं जब DD1 था, तब मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में था, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा पास करने के बाद सिर्फ DD1 था और कुछ था ही नहीं, और मैं बम्बई तब आ गया था जब 13-13 और 10-10 एपिसोड्स के सीरियल बना करते थे, 1989 की बात बता रहा हूँ। तब से लेकर आज तक जो टेलीविज़न में चेंज आया है, परिवर्तन हुआ है, चाहे वो कॉन्टेंट को लेकर हो, वो बड़ा ही बेहतरीन है। आज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत बेहतरीन एक्टर्स सामने आ रहे हैं, देखने के लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट है। तो ऐसे समय में जब एक लंबी जद्दोजहद के बाद आपको कुछ रिकॉग्निशन मिलता है,
तो लगता है कि हमारी मेहनत सार्थक हुई। हाँ, वो एक बहुत अच्छी एक एंट्री है हमारे सीरियल में, और हम लोग आजकल कुछ हॉरर कॉमेडीज़ पे वर्क कर रहे हैं, हॉरर कॉमेडीज़, क्योंकि हमने पीछे देखा कि वो काफ़ी अच्छा वर्क किया उन चीज़ों ने, तो उनके नए नए आयाम हम लोग तलाशने की कोशिश कर रहे हैं अभी, और हो सकता है मैडम चाहे तो हम कुछ एक आउटडोर शूट्स पर भी जाएंगे, जो कि कोरोना की वजह से काफ़ी समय से रुके हुआ था। थैंक यू, शुक्रिया। फिल्म देखी ना आपने? थैंक यू। थैंक यू सो मच। आई एम ग्लैड आई कुड लर्न माई सपोर्ट टू सच अ ब्रिलियंट प्रोजेक्ट। और सबसे पहले ये अवार्ड मैं डेडिकेट करना चाहूँगा बेहजाद खंबाटा को, जिसकी वजह से आई थिंक पिक्चर भी अच्छी निकल के आई है और मेरा परफॉर्मेंस भी। सो दिस गोज फर्स्टली टू बेहजाद खंबाटा, बेहजाद ब्रदर, दिस इज फॉर यू। देन टू एशली, एशली लोबो एंड ऑल द मेकर्स, यू नो द सिनेमेटोग्राफर्स, असिस्टेंट डायरेक्टर्स, आर्ट और RSVP फिल्म्स, ब्लू मंकी फिल्म्स एंड ऑफकोर्स डिज्नी। सो इट्स एंड माई को एक्टर्स एज वेल, यामी, Dimple ma'am, Neha and Atul sir and Maya Sarao and everybody else. Yes, thank you. I am working on a web series right now, so currently I'm going to be seen with a brilliant, brilliant actor, and he's looking so sharp and so dapper, Mr. Sunil Shetty, and what a great person he is. It's a thriller again, I play a cop again, so no thrill about that. Thank you. It says the most promising face of the year. It comes with a responsibility. So, पहले बात तो it's very बहुत अच्छी feeling होती है. It's very very quite humble to be getting into the an award for this category. And I promise to live up to this award and keep being a part of good cinema and entertaining you all. इसी साल देखने को मिलेगा. I'm a part of there's a film that will be releasing in the second half. So I can talk about it when I can talk. Abhi it's unannounced, so I cannot yet talk about the film. Lekin jo bhi hoga, I think so you all will love it because it's a kick-ass script. Thank you. यहाँ पर अभी बाइट्स, अभी बाइट्स, सर बाइट्स, सर अंत में
करण भाई लेफ्ट करण सर ओके इट वॉज अ बिग सरप्राइज फॉर मी एंड मुझे लगा नहीं था ये अवार्ड मिलेगा सो आई हैव बीन अवार्डेड विद द मोस्ट लाइक टेलीविजन एक्ट्रेस ऑफ द ईयर क्रिटिक सो दिस मीन्स अ लॉट टू मी बिकॉज पीपल लव मी एज अनोखी एंड आई एम रियली ग्लैड दैट यू नो दे गिव मी अ बिग सरप्राइज टुडे बाय गिविंग मी दिस एंड थैंक्स टू इंटरनेशनल थैंक्स टू आइकॉनिक गोल्ड अवार्ड्स फॉर गिविंग मी दिस सरप्राइज आई नो राइट आई मीन पीपल लोग मुझे हमेशा अनोखी के तौर पर देखे हैं एंड दे हैव गिवन मी अ लॉट ऑफ लव आई रियली वॉन्ट देम टू वॉच मिठाई नाउ बिकॉज मिठाई इज समथिंग वेरी डिफरेंट एंड जिसमें मैंने बहुत मेहनत की है सो आई होप उनको पसंद आए तो मुझे भी अच्छा लगेगा Yes, I was hospitalized. I never told anyone, but yes, I was because my body couldn't take it anymore. I was very weak due to certain reasons. But मैंने कभी किसी को inform नहीं किया because of my private bonus, you know. So yeah, but I am doing much better. I am completely fine right now, and I am going to rock it. Yeah. Thank you so much. Thank you.